इस वक्त हम वार्ड नंबर 6 में हैं। वार्ड नंबर 6 के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसमें मुख्य तौर पर मणिमाजरा के ही आसपास के इलाके या मणिमाजरा के इलाके आते हैं। खासतौर पर जैसा कि मड़ीवाला टाउन है, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स है, एनएससी कॉलोनी है, उसके अलावा गोविंदपुरा है, और ये सारे एरियाज़ जो हैं इसमें आते हैं। और यहाँ से कांग्रेस ने ममता गिरी को उम्मीदवार बनाया है। ममता गिरी इस इलाके में कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रामेश्वर गिरी की पुत्रवधू हैं। उनके बेटे टिंकू गिरी भी इस इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो किस तरह की उनकी तैयारी है, किस तरह से वो इस इलेक्शन को ले रहे हैं, इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। पहले हम रामेश्वर जी से बात करेंगे। गिरी जी, ये पहला मौका है जब, हालांकि आप, मैं आपको काफ़ी पुराना जानता हूँ, आप भी मुझे काफ़ी पुराने समय से जानते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी एक्टिव वर्क कर रहे हैं कांग्रेस के, लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, तो काफ़ी देर बाद आपको रिकॉग्निशन मिली है, आपके परिवार को रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आत्मप्रकाश जी का, जो आत्मप्रकाश चैनल है, अखबार है, मैंने इसमें काम भी किया है महावीर जी के साथ। उन्होंने इसलिए समझा कि हम आपके चैनल पर आके हमारी बात आप लोगों तक पहुँचा सकें, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आपके चैनल का भी, आपके दर्शकों का भी। पार्टी ने हमें मौका दिया है, बहुत देर बाद मौका मिला हमें। 81 से कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ जी, और 81 से ही हम कांग्रेस के साथ लगे हुए। मैं ब्लॉक प्रेजिडेंट रहा हूँ, सेवा दल में रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में रहा हूँ, अब मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया, मैं यूनिवर्सिटी TCC का मेम्बर भी रहा हूँ, और इस टाइम में मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो मुझे नया जिम्मेवारी सौंपी है, वो ट्रेनिंग कैंप की जिम्मेवारी इंचार्ज मुझे चंडीगढ़ का लगाया गया। निश्चित तौर पर अगर ये वुमेन के लिए रिजर्व ना हुई होती थी ये सीट, तो आप इलेक्शन लड़ते यहाँ से, तो अब आप तो नहीं लड़ रहे हैं, खैर आपकी पुत्रवधू यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो क्या ये भी लोगों को उतनी ही एक्सेप्टेबल होगी जितने आप यहाँ पर लोगों को एक्सेप्टेबल हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो जिम्मेवारी दी है वो लेडीज़ को आगे किया है, और लेडीज जो हमारी प्रियंका जी हैं, उन्होंने 50% कर दिया कि 50% भागीदारी होगी, और फिर हम हमारे टाइम, अब बच्चों का टाइम में फ़र्क है। अब जो मैंने पुत्र मधु तारी है, ये MA है, BEd है, और LLB भी कर रही है, पढ़ी लिखी है, इनका टाइम है बच्चों का, और जो प्रियंका जी का सपना है कि लेडीज आगे आए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना चला था तो मेरी इसी बहू ने अपने हाथ से खाना बनाया, उन कोरोना के मरीजों को घर घर जाके खाना दे के आते थे। हमारा सारा परिवार ज्वाइंट है, मेरे चार बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी अपने ससुराल में है, चारों बेटे हम ज्वाइंट परिवार है, सारी फैमिली इकट्ठी होके खाना बनाती थी, और जो कोरोना से पीड़ित थे उनको खाना देने जाते थे। कई जगह ये बहू और मेरा बेटा दोनों भी गए हैं, और मैं भी गया। यानी कि सामाजिक कार्य तो ये पहले से ही कर रही हैं, तो एक्चुअली इनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ममता जी, वैसे तो खैर आप एक पॉलिटिकल माहौल में रहती रही हैं, आपके जो ससुर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन आपके लिए ये पहला मौका है इस तरह से एक इलेक्शन लड़ने का, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, किस तरह का चैलेंज है ये आपके लिए? कांग्रेस कमेटी ने मुझे इस लायक समझा कि आज उन्होंने मुझे इसके लिए उतारा है मैदान में, तो जो भी मेरी उन्होंने उम्मीद रखी ही उतारा होगा, तो जो भी है मैं वो पूरा करने की कोशिश करूँगी, समाज के बीच में रह के समाज ही की समस्या उन्हीं का समाधान करूँगी। आपके इलाके में आपको क्या क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटीज़ क्या हैं? पहले तो ये बताइए कि ऐसे क्या काम हैं जो पिछले काउंसलर्स यहाँ पर नहीं कर पाए, और आपको लगता है कि ये होने चाहिए? आज जैसे हमने ब्यौरा किया तो अधिकतर गलियां सारी टूटी हुई हैं, जो लोगों को सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, एक नल है, चार चार घर उस नल से पानी भर रहे हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उन्होंने इसी यही जाहिर की हमें, और उनकी सड़कें टूटी हुई हैं जिसके कारण उन्हें परेशानियां हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हम करें जो पिछले काउंसलरों ने नहीं किया। अगर आपको इलेक्शन जीतनी है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो है प्राथमिकताएं क्या है? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता समाज में रह के समाज के लोगों से जुड़ना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं से पूछ के फिर मैंने काम करना। यानी कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे काउंसलर जीत जाते हैं लेकिन दोबारा फिर मिलने नहीं आते, या उनसे मुलाकात करना मुश्किल हो जाता है, तो आप चाहेंगे कि इस तरह की दिक्कत या इस तरह की कंप्लेंट आपके जो मतदाता है होना चाहिए? हाँ जी, मेरी उन सभी से हाथ जोड़ के ये अपील है, एक बार मुझे जिता के बहुमत से, एक बार मुझे
चुनाव में इस चुनाव में भारी बहुमत से जिता के एक बार सेवा का मौका जरूर प्रदान करें। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो गिरी साहब, आपसे एक बार आखिरी सवाल अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितना कड़ा आपको मुकाबला यहाँ लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी यहाँ मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट है, तो किसके साथ आपको मुकाबला है और कितनी बड़ी चुनौती है ये आपके लिए? आम आदमी पार्टी को तो मैं पार्टी नहीं मानता जी, क्योंकि पहले उन्होंने किसी और को टिकट दी, वो आज आज़ाद लड़ रहा है जी, और हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, सामने टक्कर है, मौजूदा पार्षद भी हैं वो, और लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं जी, क्योंकि उन्होंने एक भी काम माड़ियाड़ा टाउन में शांतिनगर में नहीं करवाया, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है, इतना गंदा पानी मिल रहा है कि आप देखोगे ना ही सीवरेज और पानी इकट्ठा होकर आता है, उसमें इतनी स्मेल आती है, और हमारे यहाँ टाइफाइड के मरीज बढ़ गए हैं, यदि आप आंकड़े लोगे हॉस्पिटल से तो आपको सबसे ज़्यादा मरीज शांतिनगर गोविंदपुरा यानी कि सारे मनी माजरे के ही गंदा पानी से लोग परेशान हैं, और हमारे यहाँ ये 24 घंटे पानी देने के लिए उद्घाटन किया है इन्होंने, मैं कहता हूँ 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 घंटे दे दो, पूरी प्रेशर से दे दो और साफ़ सुथरा दे दो। वहाँ एक ग्राउंड था हमारे पास खेलने के लिए बच्चों के लिए, वो ग्राउंड भी नहीं रहा, वो ग्राउंड भी ख़त्म कर दिया, जबकि इनको चाहिए था कि यदि वहाँ बनाना था 24 घंटे के लिए पानी का, तो उसके लिए पहले बच्चों के ग्राउंड तैयार करते जी, 1.5 लाख की आबादी के ऊपर एक ग्राउंड है, वैसे यदि हम इंदिरा कॉलोनी वगैरह 7 जोड़ दें, 4 बार 3 बार जोड़ दें तो यहाँ 2.5 लाख की आबादी बनती है जी, 1 लाख के करीब तो वोट ही होने जा रहे हैं 80,000 के करीब जी, उनके पास एक ग्राउंड था वो भी इन्होंने छीन लिया जी। ठीक है जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हालांकि बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आगे भी मौका मिलता रहेगा हम गिरी साहब से और बाकी और जो कैंडिडेट्स इस बार मैदान में हैं, अभी तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 300 से ज़्यादा लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं, इसमें से कुछ वापस भी हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो फिगर आएगी उससे जो जितने भी कैंडिडेट्स के साथ हम आपकी मुलाकात करवा सकेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि ये मुलाकात करवाएं। अर्प प्रकाश टीवी आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्प प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।